दोस्तों ये जो ऑक्शन आप देख रहे हैं ये मुंद्रा का है और ये वो माल है जो लोगों ने मंगाया, इंपोर्ट किया बट क्लेम करने नहीं गए। मतलब अब किस कारण से नहीं गए, सप्लायर से डॉक्यूमेंट नहीं आया या कोई तीसरा कारण था। जैसे मान लीजिए पेपर अगर हम मंगाते हैं तो इसमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या उनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं थे। और ये जो भी आइटम मंगाए हुए हैं, ये जो आइटम है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए मेन जो है हमारे जो क्लाइंट है वो वेस्ट पेपर बहुत ज्यादा खरीदते हैं तो ये उनके लिए स्पेशल है। तो ये देखिए टोटल 25 कंटेनर का ऑक्शन है, ये मुंद्रा कस्टम में लगा हुआ है। देखिए क्या होता है कि जो माल कस्टम के द्वारा सीज कर लिया जाता है, जैसे कंटेनर खुला और उसमें कुछ इलीगल पाया गया तो वो कस्टम सीज करके कस्टम ऑक्शन करता है, लेकिन इन मालों का ये अनक्लेम माल है तो ये सीएफएस की तरफ से ऑक्शन लगाया गया है। हम जानेंगे कि इस ऑक्शन को कैसे आप खरीद पाएंगे। यदि आप एक पेपर डीलर हैं, यदि आप एक पेपर मिल में काम करते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। आप हमारे साथ जुड़िए, आप एमएससीसी में रजिस्ट्रेशन कराइए, हम हेल्प करते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट डिलीवरी तक का भी हम हेल्प करते हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी हम उसमें पूरा आपको फुल सपोर्ट देते हैं। तो देखिए ये जो पेपर्स के कंटेनर है इसकी बहुत बड़ी डिमांड अपने इंडिया में है और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जो कोरोगेटेड बॉक्स बनता है वो इन्हीं सबसे बनता है, क्योंकि देखिए इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और अपने देश से जो कोरोगेटेड रील होता है वो बनके चाइना को भी एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों ये ही एक प्रोडक्ट ऐसा है जो ज्यादातर चाइना को एक्सपोर्ट हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। तो 10 का टोटल ये जो है 25 कंटेनर है और ये जो है 5 कंटेनर है। तो आइए अब हम लिस्ट के तरफ चलते हैं और लिस्ट में देखते हैं कि ये आप कब खरीद सकते हैं और कब ऑक्शन है, कब देख सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना देखे आप बिड ना लगाएं। यदि आपको लगता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है मेरठ के साइड से हैं जो पेपर मिल चलाते हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 25 कंटेनर है, 10-10 के दो लॉट है तो 20 और 5 इनके 25 हो गए। तो आप जाइए और जाकर के देखिए, यदि आप एक पेपर के डीलर हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला ये ऑफर है। आज के इस टाइम में मैं आपको बता दूं, चाहे आप बेस्ट पेपर के कंटेनर लाओ 5 लाख रुपए तो सिर्फ लाने का ही लग रहा है जी, 4-5 लाख रुपए तो इसका फ्रेट का रेट बढ़ चुका है। तो आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा ऑफर होने वाला है, जाइए और माल को देखिए और खरीदिए। अब आइए हम देखते हैं कि ये कहां पे माल पड़ा हुआ है, किस डेट तक देख सकते हैं और कैसे आप खरीद सकते हैं। देखिए मेरे बहुत से लोगों का फोन आता है कि सर गुजरात का आप ऑक्शन कवर करो, मुंद्रा का करो, मुंबई का करो। तो हम ट्राई कर रहे हैं सर हर जगह का ऑक्शन कवर करें और हम हर चीजों को आप तक डिलीवर करें। तो आइए हम चलते हैं लिस्ट के तरफ और लिस्ट में देखते हैं किस डेट को ऑक्शन है और कब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लिस्ट के तरफ आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 5x20, देखिए टोटल अगर वजन की बात करें तो 1,18,330 किलो। वो जो पाउडर टाइप में है ना वो है, देखिए यहां पे नेपलिन पाउडर, यहां क्लिक करेंगे एक्चुअल फोटो, क्योंकि हमने इसमें एक्चुअल फोटो ही लिया है क्योंकि एमएसटीसी ने इसका एक्चुअल फोटो जारी कर रखा है। तो देखिए प्री बीडीएमडी है, इसमें 2 लाख रुपए आपको एक लॉट के लिए, हालांकि ये 3 लॉट में डिवाइड है, तो देखिए एक लॉट के लिए आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं। इस पूरे 5 कंटेनर के लिए आपको 2 लाख प्री बीडीएमडी जमा करना है। और ये देखिए लैंडमार्क सीएफएस स्टेट गुजरात, आप ये ध्यान लीजिए कि मुंद्रा एक सी पोर्ट है, उसके आसपास बहुत सारे सीएफएस है। जैसे देखिए क्या होता है, एक सी पोर्ट होता है जहां पे समंदर का एक वो बना होता है जहां से कंटेनर उतरते हैं और उसके पास ना छोटे छोटे सीएफएस बने होते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वहां पे कंटेनर रखा जाता है, कस्टम वहां पर एग्जाम करता है, लोगों का माल छोड़ता है। और मान लीजिए कि कई बार ये सीएफएस में आ गया तो ये कंटेनर का क्या सिचुएशन है, सीएफएस में तो आ गया बट इसको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। अब जब क्लेम करने वाला नहीं है तो फिर इसका सीएफएस जो है ऑक्शन करता है। देखिए सीएफएस का बल्ले बल्ले हो गया, इसका कुछ लगा नहीं पर ये माल बेच के पैसा कमाएंगे मोटा। अब आइए आगे हम चलते हैं। तो देखिए इस 5 कंटेनर में 1,18,330 किलो है। फिर उसके बाद अगर हम लॉट की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट लॉट है 10x40 फीट, क्या है, वेस्ट पेपर ओल्ड न्यूज पेपर, ये 10 कंटेनर का एक लॉट है। अगर इस कंटेनर में आप भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए 2 लाख रुपए जमा करने हैं, उसमें भी 2 लाख, इसमें भी 2 लाख और उस पर भी 5% जीएसटी, इस पर भी 5% जीएसटी जो है स्पेसिफाइड है कि आपको 5% जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, अनक्लेम कार्गो, वेस्ट पेपर ओल्ड न्यूज पेपर ऑन एज वेयर बेसिस ये एंड नो कंप्लेन बेसिस, देखिए कोई कंप्लेन नहीं चलेगा। एचएसएन कोड जो है 4707, ये आपको ये इसको फुलफिल करना है। और जब हम इसको देखते हैं, देखिए यहां पे क्लिक करके जो हमने फोटो लिया है वो यहीं से लिया है। और देखिए इसके लिए एक और चीज है, मैं क्यों कहता हूं कि वो जिसका काम है वही करें, क्योंकि देखिए इसमें ये चीज है,
वैलिड जीपीसीबी सीपीसीबी लाइसेंस रिक्वायर्ड टू बी सबमिट टू एमएसटीसी वडोदरा लैंडमार्क सीएफएस फॉर पार्टिसिपेशन थ्रू ईमेल। देखिए ध्यान रखिए कि यदि इस वेस्ट पेपर में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके जो लाइसेंस है, देखिए जीपीसी जीपीसीबी और सीपीसीबी, तो ये क्या है, ये आपको मेल करना पड़ेगा। किसको मेल करना पड़ेगा? एमएसटीसी के अधिकारी को। इसी में एक अधिकारी का ईमेल आईडी होगा एमएसटीसी का, एक अधिकारी होगा जो लैंडमार्क सीएफएस है उनका। तो उन दोनों को आपको मेल करना है कि ये जी मेरा है और काइंडली आप मेरा, ये प्रीबी डीएमडी है और ये मेरे लाइसेंस है, आप काइंडली मुझे एक्टिव करें ताकि मैं इसमें प्रीबिड लगा सकूं। कई बार क्या होगा, आपको दिखेगा कि ऑक्शन चल रहा है, आप बिड नहीं लगा पाएंगे। तो बिड नहीं लगा पाने के पीछे यही कारण होगा कि आपका ये जब तक एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक आप बिड नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये देखिए ये टोटल तीन लॉट है जैसा कि मैंने बताया, 10 × 40, फिर 10, फिर ये है ये है आपका 5 और ये है 10 और फिर इसके नीचे देखेंगे 10। टोटल 10, 10, 20 और 5, 25 कंटेनर का लॉट है। यदि देखिए आप बेस्ट पेपर में डील करते हैं, आपके लिए ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर होने जा रहा है। मैंने हर क्लाइंट को अपडेट किया है और मैं और उनको स्पेशली फोन करके बोलता हूं। मान लीजिए मेरे क्लाइंट है जिनका वेस्ट पेपर का काम है, मैं एक दो नहीं, अगर मेरे 5 क्लाइंट है तो मैं 5ों को फोन करके स्पेशली समझाऊंगा कि सर आप इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करें। जो ज्यादा बिड लगाएगा, देखिए हम कभी भी किसी को भी ये लालच नहीं देते कि सर मैं तो दिला ही दूंगा आपको या मैं करवा दूंगा, नहीं, गलत है। जो जितना बिड लगाएगा कंटेनर उसको रिलीज होगा। बहुत लोग बोलते हैं जी सेटिंग का गेम है, अरे भैया जहां होता होगा होगा, अब हम सेटिंग को ही तो खत्म कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा बिड लगेगा उतने लोगों को माल अलॉट होगा। आप ये भूल जाइए कि कोई सेटिंग का गेम होता है, कोई सेटिंग का गेम नहीं है। आप माल लगाइए, आप H1 में हिस्सा लीजिए ना, आप, मैं आपको गाइड कर रहा हूं ना, मैं साथ में रहूंगा, मैं आपको माल दिलवाने में हेल्प करूंगा। आगे चलते हैं, देखिए जैसा कि आपने देख लिया और फिर से इसका भी टर्म्स कंडीशन उसी तरह है पूरा, ठीक है, तो हम पूरा टर्म्स कंडीशन भी अपने क्लाइंटों को समझाएंगे और बताएंगे कि किस हिसाब से। यदि आप हमारे क्लाइंट नहीं भी है तो भी आप वीडियो देखकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और इस तरह के इंफॉर्मेशन से रूबरू होने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन की वीडियो हम आप तक लेके आए ताकि आप इसका फायदा उठा सके। सोचिए दोस्तों, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं कितना आपको सीफ रेट लग रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना सीफ रेट लग रहा है। आज का सिचुएशन फ्रेट 5 गुना हो चुका है, जो फ्रेट $500 था वो अभी 5 गुना से भी ज्यादा, 2500 से भी ज्यादा, कहीं 3000, 4000, 5000 तक जा रहा है। हम लोगों को फ्रेट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रेट इतने हाई हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि जो ऑक्शन का ऑप्शन है एक बिजनेस का, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए है कि आप करके देखिए, आपको समझ आएगा। मात्र 11,800 रुपए आपको गवर्नमेंट को फी देना है एमएसटीसी को, मात्र 11,800। उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा एक व्यापार करने का ऑप्शन खुल जाता है, जिससे आप अगर मतलब एक दो बार विजिट भी करेंगे वहां तो उससे आपका माइंड चलेगा और आप सोच पाएंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। दोस्तों तो मैंने इसका डिटेल बता दिया, अब ये देखिए 9 तक इसका आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कितने तारीख तक? 9 तारीख तक आप इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और ये जो है ये देखिए ये 10/8 को इसकी बोली चलेगी 2 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। तो यदि आपको इसमें भाग लेना है पहले से तैयारी कीजिए और ताकि आप इसमें भाग ले सके और कंटेनर खरीद सके। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसका ऑक्शन नंबर है 10776। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस तरह के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कहीं रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और डिलीवरी तक मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।